इन पाकिस्तान, हमारे जो टॉपिक है उससे थोड़ा सा हट के है ये टॉपिक, लेकिन बहुत ज़रूरी है और इस टॉपिक पे आप हर कोई रिलेट कर पाएगा, क्योंकि स्कूल सबने अपने बच्चों को भेजना होता है, आप भी गए होंगे, और पता नहीं कब से ये स्कूल वाली चीज़ शुरू, मतलब कब से चल रही है इस दुनिया में। सो मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी जिस स्कूल को मैं भी कब से देख रही हूँ माशाल्लाह से, हैप्पी पैलेस स्कूल से मेरे पास मौजूद है एम हसन खान, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे साथ मौजूद है एम अथर खान, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के। वेलकम टू द शो। मैं थोड़ा सा बता दूँ हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के बारे में। हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल जो है वो 1982 से कायम है और तकरीबन 41 साल हो गए हैं इस स्कूल को कायम हुए हुए। और अगर मैं आपको बताऊं कि कराची में इसके 35 कैंपसेस मौजूद हैं, कराची की रिहाइशियों के लिए ये आला मेयार की तालीम मुहैया करते हैं, साथ साथ पेरेंट्स पर फाइनेंशियल बजट, जिस तरह की फीस स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं स्कूल्स की हो गई, उसके मुकाबले में ये इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं कि पेरेंट्स पे इतना बर्डन ना पड़े, फाइनेंशियल बजट ना पड़े, बर्डन ना पड़े। कुछ सवाल है जो मैं आप दोनों से करना चाहती हूँ। माशाल्लाह आप फॉरेन क्वालिफाइड हैं, बाहर से पढ़ कर आए हैं। आई गेस एक ने जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और दूसरे जो है वो लिंकन बैरिस्टर यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से, यानी दोनों का अलग अलग सिस्टम, आईवी सिस्टम से पढ़े हैं, अमेरिका से पढ़े हुए हैं और एक कैम्ब्रिज सिस्टम से पढ़े। तो आप दोनों को अलग अलग जो तालीम है, जो आला मेयार की तालीम है, वो अलग अलग स्टाइल की तालीम मुहैया की गई है। और अब आप पाकिस्तान वापस आए हैं और आप अपने अबाऊ अजदाद का स्कूल माशाल्लाह संभाल रहे हैं अलग अलग ओहदों पर। सो क्या आपने ये सोचा? अक्सर बच्चे कहते हैं कि नहीं, हम तो उधर से पढ़ लिए, हम पाकिस्तान वापस क्यों आए? सो आप दोनों के दिल में ऐसी क्या अर्ज थी कि आप आके अपना स्कूल संभालें? निदा, जब हम लोग वी वर बॉर्न इनटू एजुकेशन, सो हम लोग जब मैं आई वाज बॉर्न इन 1989, स्कूल वाज फॉर्मड इन 1982, तो मेरी तो पैदाइशी स्कूल में हुई है। तो नीचे मेरी हमारी रिहाइश होती थी और ऊपर स्कूल रन हुआ करता था जब मेरे डैड ने स्टार्ट किया। तो मॉर्निंग बेल्स हो गई और रिसेस टाइम हो गया, कैंटीन का टाइम हो गया, तो हमने सब ग्रो किया बच्चों के साथ, उसी माहौल के अंदर, स्कूल के माहौल में हमने ग्रो किया। फिर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रही, मेरे डैड और मॉम दोनों इन्वॉल्व हो गए स्कूल के अंदर, तो हमने उनको देखा कि वो किस तरीके से पैशनेटली एजुकेशन के लिए वो वर्क कर रहे हैं दिन रात, और वो उनकी कोशिश यही थी कि किसी तरीके से जो कराची के रेजिडेंट्स हैं उनकी सोशल मोबिलिटी अपवर्ड्स की तरफ हम लेके जाएं, और द ओनली वे दैट कैन बी डन इज थ्रू एजुकेशन। एंड देन जब मैं बाहर गया पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के अंदर, फिर मेरे जहन में यही था कि मुझे वापस आना है, आई नीड, आई हैड अ पैट्रियोटिक सॉर्ट ऑफ अर्ज, और मुझे आना था वापस सो दैट आई कैन सर्व बैक टू द कम्युनिटी और इसको वापस दे सके। अच्छा, क्या चीज़ है था जो आपके स्कूल को यूनिक बनाती है और बाकी स्कूल से? एक तो क्योंकि हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल इतना पुराना है इन द सेंस कि 1982 से, सो उस वक्त पढ़ाई के स्टैंडर्ड्स अलग थे, अभी आज 2023 में पढ़ाई के स्टैंडर्ड्स अलग हैं, सो आपके स्कूल को क्या चीज़ यूनिक बनाती है? देखिए, हमारी, मैं इसको मुख्तसर सा ये जवाब दूंगा कि हमारा जो करिकुलम है, स्पेशली प्री प्राइमरी का जो करिकुलम है, वो हम लोग इंटरनली हम लोग उसको बनाते हैं, उसको डिवाइस किया है। वी हैव अ टैलेंटेड टीम, रिसर्च बेस्ड टीम, जो कि इस करिकुलम को मैनेज करती है और आगे लेके चलती है। और सिंस यू सेड 41 ईयर्स से हम लोग ये स्कूल लेके चल रहे हैं, तो हमने इस करिकुलम को चेंज भी किया है विद इन दोज 41 ईयर्स। ऐसा नहीं है कि हम एक रोबस्ट सिस्टम को लेके चल रहे हैं। सेकेंडली, as you mentioned, कि हमारी जो टीचर्स हैं, वी ऑल्सो ट्रेन देम वेरी वेल, और इनकी ट्रेनिंग पे हमने काफ़ी फोकस रखा हुआ है, इनकी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे, इनके सेमिनार्स हम लेते हैं ब्रिटिश काउंसिल से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो इन टीचर्स की एक CPD आवर्स होते हैं जो हम लोग रेगुलरली इसको मैनेज कर रहे होते हैं। सो उससे ये होता है कि ये लोग अप टू डेट रखते हैं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के लिहाज से, और हमारे बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं जो कि मुझे लगता है इस 21st century की नीड है। अच्छा, मैं अगर हसन, पता है, जैसे अगर मुझे अपने बच्चों का एडमिशन कराना है, तो मैं ये रिसर्च करती हूँ कि अगर मुझे
इस स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, तो मैं ऑब्जर्व करती हूँ उस स्कूल के बच्चों को कि उनके बच्चों की, इस स्कूल के बच्चों की पर्सनालिटी कैसे है. पहले मैं जाके रिसर्च करूँगी और देखूँगी, अच्छा देखो ये बच्चे ऐसे हैं, ये बच्चों, मैं उनसे बात करूँगी. तो आपके जो स्कूल के बच्चे हैं वो कैसे स्टैंड आउट करते हैं, उनमें क्या डिफरेंस नज़र आता है कि एक दूसरा पेरेंट अपने बच्चों को उधर एडमिशन करवाए. ठीक है. सो हमारे एज ए एजुकेशनिस्ट हमारा पूरा फोकस ये होता है कि हमारे बच्चे गुड ह्यूमन बींग्स बन सके एट द एंड ऑफ द डे. कंपैशन हो उनमें, वो एम्पैथेटिक हो, वो सिंपैथेटिक हो, उन अच्छे गुड काइंड हार्टेड इंडिविजुअल्स हों, ग्लोबल सिटीजन्स हों वो लोग, उनके दे आर वेल अवेयर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन करंट अफेयर्स के बारे में और ग्लोबल अफेयर्स के बारे में. दे आर वेरी आईटी इंटीग्रेटेड एज वेल, दे हैव अ गुड कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी, दे आर वोकल, दे हैव गुड पब्लिक स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड दे आर ऑनेस्ट एंड इंटेग्रिटी, दे आर पैट्रियोटिक. तो ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स वी मेक श्योर कि वो एकेडमिकली रिग्रेस भी हों और एक्स्ट्रा करिकुलरली इनरिच्ड भी हों और उनकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही हो बच्चों की, और वो ऑलराउंड इंडिविजुअल्स हों और जो जो अपने सोसाइटी के अंदर मुल्क का भी अपना भी सब नाम आगे कर सके. एंड हसन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, एक ज़माना होता जब हम पढ़ रहे थे ना, तो अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है जी, पढ़ाई 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 पढ़ाई, नंबर अच्छे, बोर्ड के एग्जाम्स फलाना. जब मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं स्कूल्स में देखती हूँ कि बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, आपको उसमें भी अच्छा होना है, आपको उसमें भी अच्छा होना है, खाली नंबर नहीं लाने, क्योंकि अब तो पढ़ाई का तरीका ही चेंज हो गया. सो आपके स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं? देखिए, हमारी एकेडमिक के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर फैसिलिटीज़ हैं हमारे यहाँ, स्पोर्ट्स की बात काफ़ी, क्योंकि आजकल आपको पता है कि लोग घरों में कन्फाइंड हुए हैं, सो वी हैव स्पोर्ट ग्राउंड्स, वी हैव आईटी इंटीग्रेटेड कंप्यूटर लैब्स, क्लासरूम्स, वी ऑफर रोबोटिक क्लासेज एज वेल, वी हैव एन आर्ट एंड डिज़ाइन मॉड्यूल्स, हमारे पास कोडिंग क्लासेज हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी हम सिखा रहे हैं उनको. तो सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो 21st century नीड से कन्फॉर्म करती है. तो इसके अलावा हमारे पास ऑडिटोरियम्स हैं, हमारे पास साइंस लेबोरेटरीज हैं, क्लासरूम्स भी हमारी वेल इक्विप्ड हैं और सेंसरी बेस्ड क्लासरूम्स हैं हमारी. तो दीज ऑल दीज एनवायरनमेंट्स दे प्रोवाइड अ वेरी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न एंड नर्चर. अच्छा, अब आई डोंट नो, अकाउंट्स के बारे में सवाल करूँ तो आप दोनों में से कौन दे सकता है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये पूछूँ कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रक्चर आपने कैसे फीस का मेंटेन किया हुआ है इस महंगाई के दौर में, जहाँ स्कूल की फीस स्ट्रक्चर इतने ज़्यादा, मतलब मैं कहती हूँ अफोर्डेबल ही नहीं रहे हैं, तो आपने वो कैसे मेंटेन किया है? कौन इस बात का जवाब देगा, मुझे नहीं पता. देखिए, अगर हम लोग एज अ डायरेक्टर्स, हम लोग काफ़ी डाउन टू अर्थ हम्बल इंडिविजुअल्स हैं. हम लोग ने अपने एक्सपेंसेस थोड़े कम किए हुए हैं, ठीक है. हम चाहते हैं कि हम कंटिन्यूसली री इन्वेस्ट करें एजुकेशन के अंदर ही, ठीक है. और उस तरीके से हमने अच्छा इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल पॉलिसीज भी हमने रखी हुई हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जहाँ जहाँ हमारी कॉस्ट सेविंग हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर्स हैं, अब हम उनको ट्रेडिशनली बच्चे सर्कुलर प्रिंट करके हम दिया करते थे, अब हम ई सर्कुलर्स देते हैं. ग्रेट, मतलब डिजिटली दे देते हैं. तो हम इस तरीके की जो सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमारी कॉस्ट सेविंग हो सके और हम जहाँ जहाँ हम लोग को सोलर सिस्टम्स लगाने, हमें सोलर पैनल्स लगाने ताकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी कट हो सके, हमारे जिस तरीके से हम एफिशिएंसी कर सकते हैं, चाहे वो एचआर के अंदर हो, चाहे वो हमारे ऑपरेशंस में हो, तो हम एफिशिएंसी मेंटेन कर रहे होते हैं अपने सारे सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस में. इस तरीके से हमारी कॉस्ट कटिंग होती है और हम कोशिश यही करते हैं कि वो बेनिफिट हमारे पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स तक पहुँच सके. एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट मिली है आप लोगों को? सो हम लोगों को बाय डेफिनेशन प्राइवेट स्कूल्स कहा जाता है, जिससे मुझे ऑब्जेक्शन है. हमें प्राइवेट स्कूल्स को, वैसे ही प्राइवेट वर्ड को एक तरह से बदनाम कर दिया गया. सो वी कॉल आवर सेल्फ, निकाल दिया जाता है ना प्राइवेट ये लोग. जी बिल्कुल. सो आई कॉल आवर स्कूल्स एज अनएडेड एंड सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूल्स. ओके. तो हम लोग खुद ही इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, खुद ही इसकी क्वालिटी मैनेज करते हैं, प्लस वी हैव ए रिस्ट्रिक्शन ऑफ 5% not on our profits but on our revenues, which is very difficult to manage in this inflationary period. So plus hum government se funds expecting karte, plus hum log karte hi hain ki government ko support karte in their polio drives, in their vaccination drives, measles ki abhi drive hui thi, so we support them in these ways. To jitne bhi social initiatives hote hain, the schools are the leaders in that. Acha, ab agar main aap se ye baat karun ki like जिस तरह हमने पढ़ाई की, तो हम इतने, हमारी जनरेशन इतनी टेक्निकली साउंड नहीं है. अगर हम जो हमारे बच्चे हैं उनको नहीं टेक्नोलॉजी के बारे में पता है. सो आपका स्कूल 41 साल पुराना है, आपने टेक्नोलॉजी को कैसे शामिल किया है अपने
सिलेबस में। तो हमने सारे लेसन प्लान्स और करिकुलम में आईटी इंटीग्रेट कर दिया है उसके अंदर। और देखिए हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हम बच्चों को वो स्किल्स सिखाएं जो मशीन रिप्लेसेबल ना हो। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आपने देखा है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बन रहे हैं, ये चैट जीपीटी और जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ रहे हैं, हमें यही मेक श्योर करना है कि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो फ्यूचर प्रूफ हो, उनका सिक्योर हो। कोई ऐसी वो स्किल्स नहीं दे रहे कि जो आगे जाके कोई मशीन या ऑटोमेशन उनको रिप्लेस कर दे। तो हमको दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलना है। ठीक है, हमें आईटी हमने इंटीग्रेट किया हुआ है अपने करिकुलम में, सो वी कीप ऑन यूजिंग ऑल ऑफ दीज एवी मल्टीमीडिया एंड कंप्यूटर एंड ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्शंस। तो ये आ गया कि आप लेक्चर्स ले रहे हैं तो आपने अगर आपने कोई ऐसे भी लिखना है तो आप लिखे बगैर आप बोलते जाए और वो खुद ही कंप्यूटर लिखता जाए, यानी आप टाइपिंग से भी गए। हम तो लिख लिख के पागल हो रहे होते थे और हमारी अच्छा ये 4-line कॉपी है उसमें राइटिंग करो। आज तो अगर आपकी राइटिंग भी बुरी है, आपका वोकैबुलरी अच्छी है, आपको ग्रामर का पता है, बल्कि ग्रामर भी सही कर देते कंप्यूटर को, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको वो दोनों चीजों का बैलेंस रखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही, तो कभी हाथ से भी लिखना पड़े, बिल्कुल बिल्कुल, दिमाग साथ दे। मशीन को प्रॉम्प्ट तो हम ही देते हैं ना, मतलब उनको जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हम ही देते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग्स। तो वो चीज़ हमारी होनी चाहिए और बाकी टेक्नोलॉजी को हमें एज एन एड और सपोर्ट यूज़ करना चाहिए अपने। और हमने कोशिश यही की है कि हमारे सारे बच्चे आर वेरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड वेरी टेक सैवी, और हमारे यहाँ बहुत सारे लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमने इन प्लेस किए हुए हैं, और डिजिटल हम प्लेटफॉर्म वी इन कोलैबोरेशन विद गूगल, जूम एंड जी सूट फॉर एजुकेशन, सो ऑल ऑफ दीज लर्निंग मॉड्यूल्स आर इन प्लेस। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे आगे 21st सेंचुरी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें, और जो हमने फ्यूचर स्किल्स मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं उसके अंदर वो अपनी रास्ता लेकर। अच्छा, जैसे आपने बताया कि लाइक स्पोर्ट एक्टिविटीज़ ये वाली सारी तो है, लेकिन और भी चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, ड्रामा फलाना धमाका स्विमिंग ये वो, आप क्या क्या ऑफर कर रहे हैं अपने स्कूल? देखिए, वी हैव थिएटर, वी हैव ड्रामेटिक्स, वी हैव अ वेरी गुड लीडरशिप मॉड्यूल जिसमें हम स्टूडेंट काउंसिल को जनरेट कर रहे होते हैं। हमारे पास आर्ट एंड डिज़ाइन के मॉड्यूल्स हैं, रोबोटिक्स मैंने आपको बताया, हम बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी भी सिखाते हैं, हम बच्चों को कोडिंग सिखाते हैं, बच्चों को हम उनको एथिक्स और सिविलिटी और पेट्रियोटिज्म सिखाते हैं, उनको एथिक्स और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देते हैं। बिकॉज कोर मॉड्यूल्स कोर एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग को फोकस करना जरूरी है, और स्कूल ही करेगा और कौन करेगा, और कौन करेगा। तो बच्चों की सिक्योरिटी का भी आजकल बड़ा एक वो कहते हैं ना कि डर है, खौफ है अम्मा अब्बा को कि भाई सिक्योर हैं, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? सो वी हैव सीसीटीवी कैमरास, वी हैव आवर गार्ड जो कि सिक्योर रखते हैं प्रेमिसेस को, प्लस वी हैव अडॉप्टेड ए रोटरी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल इन आवर स्कूल जिसके अंदर एवरी टीचर इज रिस्पॉन्सिबल to protect the students, to know where they're going wrong, कोई harassment के cases होते हैं, कोई bullying के cases होते हैं, so even our students we have empowered them कि वो खुद enforcers बने इस protocol के, so they should know these definitions, they should know when to protect themselves, so as a community, as a whole हम लोगों का पूरा school इस चीज़ को उनकी security और उनकी safety protocols को उन पे फोकस रखता है। तो अगर मैं कहूँ कि हैप्पी होम ग्रामर स्कूल के आगे फ्यूचर प्लान्स, सॉरी हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल के क्या आगे फ्यूचर प्लान्स है? देखिए, वी हैव अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल इन कराची एंड वी वांट टू स्केल इट अप नेशनली, ठीक है, सो दैट अभी तो हमारे जो एजुकेशन फिलोसफी और मिशन है उससे हमारे कराची के रेजिडेंट्स आर गेटिंग जो भी हमारी पॉलिसीज हैं वो सब चीज़ें, एंड देन वी वांट टू एक्सपैंड इट नेशनली, वी वांट टू एक्सपैंड इट इंटरनेशनली, वी वांट टू ब्रिंग इट, अभी इसकी ब्रांचेस सिर्फ कराची के अंदर है अभी, सो वी वांट टू स्केल इट अप नेशनली एज वेल एंड इंटरनेशनली एज वेल, वी वांट टू गो अप टू यूनिवर्सिटी लेवल टू, वी ऑलरेडी हैव एन ए लेवल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज, वी वांट टू एस्टैब्लिश इट यूनिवर्सिटी टू इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ, दो हमारी जिस तरीके से हम मिशन और वैल्यूज लेके चल रहे हैं, तो दीज आर एंड वी आर एजुकेशनिस्ट बाय बर्थ बाय ब्लड, or we will continue to be serving education in Pakistan for years to come inshallah. Thank you so much, bahut khushi hui aapse milkar, aur wahi na ke ab sari family ki cheeze aage leke chale, aap log bahar se padh kar aaye, technology aapke paas hai jo ke aap serve kar rahe hain apni country ko, thank you so much. Thank you, thank you very much. To janab ye tha hamara aaj ka show, umeed hai bahut kuch sikha samjha hoga aur साथ साथ एंटरटेन भी होंगे, ये तो मेरा मकसद है ना। तो आज की सुबह यहीं तक, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।